दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो मेनली देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, मतलब घर बनाना एक इम्पॉर्टेंट पहलू लिया जाता है कोई भी फैमिली रहेगी। तो हर जगह अभी घर बन रहे हैं, मतलब अभी जो डेवलप हो रहा है इंडिया, तो अभी नई नई स्कीम्स भी आई हैं गवर्नमेंट की घर बनाने की, तो बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं। तो एक बेसिक नीड भी है घर, तो घर बनाना तो इजी है क्योंकि आपके पास 7 से 6-7 लाख होगा तो आप अच्छा घर बना सकते हो। ये मैं बेसिक चीज़ जो बोल रहा हूँ उस पर घर तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें बेसिक नॉलेज नहीं होती है तो क्या होता है कि आपका जो 1 से 2 या 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगता है हर कंस्ट्रक्शन में, जिनको नॉलेज नहीं होता है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ हाउस, मतलब घर बनाने के तरीके, फुटिंग से लेके स्लैब तक क्या क्या स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंडिया में घर बनाने के, जो टेक्निकल पर्सन्स नहीं हैं उनके लिए ये काफ़ी वीडियो। अगर ये वीडियो देखोगे आप इजीली खुद का घर का काम करवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चल जाएंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ये काफ़ी सब लोगों के काम आएगी, जो टेक्निकल पर्सन है, स्टूडेंट्स है या नहीं है, तो ये सबके काम वीडियो आने वाली है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला स्टेप स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। तो मैं पहला स्टेप इसका स्टार्ट करता हूँ। तो जो सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा घर बनाने का, वो आ गया आपका लैंड और एरिया। मेन जो आपको जब भी कोई घर बनाना है ना, तो ऐसी एरिया या लैंड ढूंढना है जो परफेक्ट हो। परफेक्ट इन द सेंस, मतलब एक तो वो जो एरिया होगा, पहला स्टेप ही हमारे घर बनाने का क्या है, एक तो वो लेवल होनी चाहिए, और ट्राई करनी है वो एरिया क्वेश्चन, मतलब कॉटन सॉइल नहीं हो या क्ले सॉइल नहीं हो, ऐसा एरिया ढूंढना है कि आपका वो मिट्टी वाला एरिया नहीं हो। और जिनके खुद की ज़मीन है वो, उनके लिए स्टेप तो अलग ही हो गया, लेकिन उसमें क्या आपको करना है, लेवल एरिया, पहला स्टेप आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है आपका आर्किटेक्ट का, मतलब मेन जो स्टेप है यही है कि इसमें क्या आपको ड्राइंग चूज करना है कि मेनली घर आपको कैसा चाहिए। पहले कि आपको आपका एरिया है 1000 स्क्वायर फीट या 2000 स्क्वायर फीट, तो उसी हिसाब से अगर आपको 2 BHK चाहिए तो आपको वैसा ड्राइंग चाहिए, 3 BHK चाहिए वैसा, तो आपको एक पहले रेट्स पता करने हैं कि आर्किटेक्ट का क्या है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग है कुछ, मतलब ये रेट आपको प्लान से क्या होता है, कुछ जो आर्किटेक्ट रहते हैं या इंजीनियर रहते हैं वो आपको सिर्फ प्लान देंगे और प्लान के हिसाब से आपको काम करना है, तो उसका रेट रहता है 2000 से 5000 रुपये में आपका ड्राइंग बन जाएगा। लेकिन होता क्या है, अभी कुछ एरिया म्यूनसिपल एरिया में है या टाउन एरिया में, उधर क्या करना है आपको, ड्राइंग जो ड्राइंग रहती है उसको पास करवाना पड़ता है, तो उसके लिए आप अच्छा सा आर्किटेक्ट ढूंढ लो, 10 से 15 हज़ार में मैं आपको अच्छा आर्किटेक्ट अच्छा बना के दे देगा, जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ये हो गया उसका दूसरा स्टेप आपको जो करना है। ठीक है, दो स्टेप हो गए हमारे। तीसरा स्टेप जो आता है हमारा मेन स्टेप, जो कंस्ट्रक्शन का पूरा कंस्ट्रक्शन उस पर डिपेंड है, वो है हमारा मटेरियल का, या मैं इसी में ड्राइंग या मटेरियल में ऐड कर लो। ठीक है, तो मटेरियल में क्या है, मेन बेसिक चीज जो रहती है हमारी RCC रहती है हर कंस्ट्रक्शन की। ये हमारा दूसरा स्टेप में क्या आ गया, ड्राइंग प्लस मटेरियल। तो RCC में हमारा आ गया ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको उस जो मार्केट रहेगी आपकी, उसमें मटेरियल के रेट पता करने हैं कि हर जगह क्या मिल रहा है। इधर कई जगह पे आपको 7 रुपये की ईंट पड़ेगी, 6.5 की ईंट पड़ेगी, 5 रुपये की ईंट पड़ेगी। तो ईंट तो ये तो देखो, ऐसा तो कोई नहीं है कि आपको सस्ती ईंट दे देगा, जो चीज़ मार्केट में 8 रुपये मिल रही है वो 6 रुपये की दे रहा है, कुछ रीज़न होगा, या तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं होगी या मटेरियल अच्छा नहीं होगा, बाद में क्या होगा वो सीपेज लेगी ये वो। तो ये चीज़ें पहले आपको ध्यान देनी है हर कंस्ट्रक्शन में कि आपका जो मटेरियल है उसके रेट्स, उसकी क्वालिटी, ये सब चीज़ें आपको पता कर देनी है। क्योंकि सीमेंट क्या है, आजकल क्या हो रहा है कि सीमेंट क्या बोलेगा कि हम ब्लैक में दिला रहे हैं या सस्ता सीमेंट दिला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो सीमेंट आपका फेक भी हो सकता है, मतलब डुप्लीकेट बैग वैसे ही कवर होगा लेकिन जो मटेरियल होगा उसमें वो फेक हो सकता है। ठीक है, दूसरे आ गया स्टील। स्टील में भी यही किया जा रहा है, क्या होता है कि जो स्क्रैप रहता है उसको पिघला के उसमें कार्बन ऐड करके ये स्टील आपको मार्केट में बेचा जा रहा है। ब्रांड थोड़ा बहुत चेंज कर देते तो आपको लगता है जेन्युइन ब्रांड है, टाटा का है, टिस्कॉन का है, जिंदल का है, तो ये भी धोखा दिया जा रहा है मार्केट में। तो जब भी आप
मटेरियल में जैसे मैंने कहा मेन चीज़ है जी आपको ध्यान देना ही देना है, सैंड आपको प्रॉपर यूज़ करनी है, एग्रीगेट अगर ये आपका आरसीसी मटेरियल अच्छा होगा तो आपका घर बेटर बनेगा। ये मैं इसलिए नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी बात आती है हमारी एरिया हो गया ड्राइंग होगी, अभी बात आती है कि हम इसको घर को कॉन्ट्रैक्टर से बनाएं या खुद बनाएं या क्या, मतलब इसका क्या अच्छा वे क्या है। देखो पहला है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को दोगे बनाने में, एक तो आपको वो घर महंगा पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो का मकसद ही है बनाने का कि आपको मतलब सस्ता घर पड़े और आपको नॉलेज हो। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, आप बोलते हो कि हमें नॉलेज नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत घोटाला करते हैं, मटेरियल में घोटाला कर देंगे, अच्छा बनाएंगे नहीं। तो मैं बोलता हूँ इससे बेटर आप खुद कंस्ट्रक्शन करो, और करो क्या आप मतलब मटेरियल खुद बाय करो और लेबर हायर कर लो। और लेबर का हायर का क्या खर्चा है, मतलब उसका खर्चा पड़ेगा आपको 100, आजकल क्या होता है 120 से 200 तक पर स्क्वेयर फीट रेट आपको लेबर मिल जाएगी। तो लेबर मिल गई कि आजकल जो मिस्त्री वगैरह रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, उनको एक्सपीरियंस है, तो वो आपका काम आधा नॉलेज तो आपको होगा काम का, आधा वो करेंगे तो आपका घर भी अच्छा बन जाएगा और सस्ता बनेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ खुद लेबर हायर करके काम करवा लो, बेटर है कॉन्ट्रैक्टर से। नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर अच्छे भी हैं, मतलब जेन्युइन रेट भी होगा और काम भी अच्छा करेंगे। ये हो गया हमारा मटेरियल तक, काम खत्म हो गया मटेरियल तक। नेक्स्ट प्रोसेस, अगर मतलब अभी ड्राइंग आ गया आपका, ठीक है ड्राइंग आ गया, तो ड्राइंग के हिसाब से अभी आपको साथ में पिक्स भी दिख रही होंगी ड्राइंग की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्यों मैं एग्जांपल ली है इस घर की। ठीक है, तो अभी क्या क्या होता है, कई जगह क्या होता है फुटिंग ये आ गई, यहाँ फुटिंग है, यहाँ फुटिंग है, यहाँ फुटिंग है, यहाँ फुटिंग है। ठीक है, तो एक्सकवेशन करवानी है, तो फिर क्या होगा, अभी मैं आपको एक मिनट बनाया हुआ है, ये फ्रंट देख रहे हो, ये आपकी होगी एक्सकवेशन इतनी, ये हमारा स्टेप था एक्सकवेशन का। एक्सकवेशन हो गई, उसके बाद होती है हमारी पीसीसी। एक्सकवेशन के बाद मतलब जहां जहां आपकी फुटिंग आ रही है वहां वहां खोद दिया। कभी कभार क्या होता है जहां आप कॉलम नहीं देते हो तो वहां क्या होता है प्लिंथ में से ही कॉलम निकालते हैं, तो उतना ही एरिया एक्सकवेट करते हैं। लगा लो मैं एग्जांपल दूं आपको, ये आपका एरिया है, आपका ये रूम है, एक ये रूम है, ये रूम है, तो यहां प्लिंथ आएगा ना, यहां से एक्सकवेट करवा देंगे, यहां से एक्सकवेट करवा देंगे, यहां से, तो यहां जैसे भी आपका ड्रॉइंग कहता है वैसे आप एक्सकवेट करवा के पीसीसी कर दो। ठीक है, और पीसीसी की रेशो रखनी है 1:4:8 का, मतलब आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पीसीसी हो गई। उसके बाद आती है हमारी फुटिंग, अगर आप यहां देखो ये आ गई हमारी फुटिंग। ठीक है, फुटिंग हो गई, अभी नेक्स्ट जो स्टेप रहता है हमारा फुटिंग के बाद वो रहता है हमारा प्लिंथ बीम, ये रहा हमारा प्लिंथ बीम का नेक्स्ट स्टेप। तो इस स्टेप में मेन चीज आपको क्या देखनी है, देखो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, प्लिंथ बीम सब बता देंगे, प्लिंथ बीम के बाद आपका कॉलम करेगा, उसके बाद ब्रिक वर्क होगा, लेकिन इसमें जो मेन चीज जो आती है वो है हमारी डीपीसी। कभी भी आपको डीपीसी नहीं भूलनी है, मतलब अगर घर की आप लाइफ चाहते हो, मतलब उसकी अच्छी लाइफ रहे, तो प्लिंथ बीम के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो इसमें मैंने आपको जैसे दिखाया है वो क्या है, डीपीसी। और ये काफ़ी जो आपको आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे या कुछ भी तो ये स्टेप वो आपको नहीं बताएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डीपीसी आपको करनी है, डैम प्रूफ कोर्स इस पे वीडियोस हैं, जो स्टेप मैं सब बता रहा हूँ ये आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारी डीपीसी होगी, उसके बाद चूज आता है हमारा ब्रिक वर्क और कॉलम, मतलब ब्रिक वर्क बोल लो आपको, अगर डबल एसी ब्लॉक यूज करनी है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में दोनों बेटर है, मैं बोलता हूँ रेट का भी और ऐसे भी कोई भी यूज कर सकते हो आपको करना। और होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, पहले या तो ब्रिक वर्क कर लेगा उसके बाद कॉलम करेगा आपका, तो ऐसा नहीं करना है, मतलब अगर खुद आप घर बना रहे हो ना तो अगर आपको खर्चे से बचना है तो पहले कॉलम खत्म कर लो उसके बाद ब्रिक वर्क करो, वो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां ब्रिक वर्क कर लो फिर कॉलम करो, ये मत करना कि साथ में ब्रिक वर्क भी कर रहे हो और साथ में कॉलम भी उठाते जा रहे हो, तो वो आपको महंगा पड़ेगा, ये ध्यान देना। ब्रिक वर्क हो गया, देखो ये हमारा फुटिंग हो गया, एक कॉलम ऊपर चढ़ गया, और एक चीज मैं बताना भूल गया कि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल है वो डाउन होता है, आपको क्या करना है, आपका जो प्लिंथ लेवल है वो ऊंचा करना है कि आप बाद में अंदर पानी नहीं घुसे या रोड नहीं आ जाए। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो हम वहां ब्रिक वर्क कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिक वर्क कर लो, जहां आपका जो प्लिंथ का लेवल है वो क्या करो, नीचे फिलिंग करके प्लिंथ का लेवल उठा लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो ब्रिक वर्क करना है वो करना है, जो भी कर सकते हो, उसके बाद प्लिंथ भी करो, डीपीसी करो, फिर अपना जो वर्क है ब्रिक वर्क और कॉलम का स्टार्ट कर दो। ये हो गया हमारा एक। अभी
उसके बाद क्या होता है, एक आता है कि जैसे आप देखो अभी मैंने यहाँ हम पहुंचे ब्रिक वर्क में और कॉलम में, ये हो गया। अभी आता है हमारा लिंटल, मतलब लिंटल इन द सेंस यहाँ आपका दरवाजे, एक होता है कि कभी कभी क्या होता है दरवाजे साथ में लगा देते हैं ब्रिक वर्क के साथ ही, उनके जो एंकरेज होती है वो अच्छी हो जाती है, तो साथ में लगा के उसके बाद उसमें जहां जहां दीवारें उठी है, मतलब यहां से आपको कितना हाइट तक ले जाना है, 2400 तक आपको मैक्सिमम लेना है। उसके बाद आपने चारों तरफ क्या कर देना है, लिंटल प्रोवाइड कर देना है। ये नहीं है कि दरवाजे के ऊपर ही दो, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे 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 जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर जो एनवायरमेंट है वो हार्श होने वाला है, तो अर्थक्वेक वगैरह या जो भी बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए आपको स्ट्रक्चर आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो आप क्या करो, लिंटल चारों तरफ प्रोवाइड कर दो, जहां जहां आपकी दीवारें आती हैं वहां आप लिंटल प्रोवाइड कर दो, ठीक है। लिंटल हो गया, उसके बाद क्या आ गया हमारा, थोड़ी सी ये लिंटल आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी दीवार चढ़ा के बीम और स्लैब, ये हो गया हमारा 10वां स्टेप, मतलब 10 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब भी उसके बाद जो स्लैब होगी उसके बाद ऊपर आपको ग्रिल करनी है, पैरापिट करके खत्म कर दो। ये आपकी स्लैब होगी, यहां आपने पैरापिट यहां वो कर दी, ठीक है, जो 1 मीटर करनी है या 3 फीट बोलो, इतनी करके खत्म हो गया। अब भी हमारा अगला काम जो रहता है वो रहता है हमारा इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग, प्लम्बिंग कर लो या डोर विंडो पहले, वो ये आप पे डिपेंड है कि आप कोई भी इसमें से स्टेप ले सकते हो। तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग कर लो, क्योंकि तोड़ फोड़ जो जरी वरी मारनी रहती है, प्लम्बिंग वम्बिंग घुमा लो उसको अच्छे से जहां जहां घूमती है, उसके बाद आप डोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, हमारा जो अगला स्टेप रहता है, मतलब डोर विंडो लगा दिए, प्लम्बिंग हो गया, मतलब जहां जहां आपकी घूमती है इलेक्ट्रिक वगैरह वो आपको ड्राइंग में दिया रहेगा अगर आपने अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो उसके बाद हमारा स्टेप रहता है प्लास्टर कर दो, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल प्लास्टर कर दो। प्लास्टर के बाद हमारा रहता है टाइल मार्बल का, तो वो आपको जो बेटर लगे, और प्लास्टर में भी आजकल बहुत चीजें आ रही है कि आपको स्टुको करवाना है या जो दाना वाला रहता है, जो आप जो आपको अच्छा लगे वैसा आप करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइल या मार्बल चूज करने में तो इस पे वीडियो है, तो ये आप पे डिपेंड है, टाइल थोड़ी अच्छी दिखेगी, मार्बल की लाइफ ज्यादा होगी, तो इन दोनों की अपनी अपनी खासियत है। ये भी नेक्स्ट स्टेप जो रहता है हमारा, वो रहता है हमारा पुट्टी हो गया, फिर हमारा पेंटिंग का वर्क आ गया, उसके बाद आ गया हमारा सीलिंग का। आजकल सीलिंग की काफी डिमांड है और अच्छा भी दिखता है, कुछ ज्यादा रेट नहीं है, 80 से स्टार्ट हो जाते हैं पर स्क्वायर फीट, और बाकी आप पे डिपेंड है कि कैसा आपको बनाना है। 80 से आपके बेसिक, मतलब बेसिक 60 रुपए पर स्क्वायर फीट भी आपका रेट स्टार्ट हो गया आजकल, तो जैसा आपको पसंद है आप बना सकते हो, ठीक है। ये बेसिक स्टेप है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं है दिक्कत घर बनाने में, लेकिन आपको मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, और मेन चीजें तो आपको डिसीजन मेकर होना पड़ेगा। ये हमारी पहले एक्सप्रेशन की, फुटिंग की, कॉलम उठाया, अगर आपको प्लिंथ ऊपर करना है तो ब्रिक वर्क करके प्लिंथ किया, डीपीसी की, उसके बाद आपने एसीसी ब्लॉक या ब्रिक किया, लिंटल किया, उसके बाद बीम और स्लैब करके आपका कंस्ट्रक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिक स्टेप रहते हैं, कुछ ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं था। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। थैंक यू गाइस।